नमस्कार, आप देख रहे हैं जे एन आई न्यूज। मैं हूं अजय श्रीवास्तव। आज हम महाराजगंज ब्लॉक के जिला जौनपुर है ग्राम सभा लामहन में पहुंचे हैं। यहां प्रधान प्रतिनिधि हैं वीरेंद्र पाल जी। आइए जानते हैं विकास में क्या क्या पंख लगाए हैं, कितने विकास कार्य किए हैं, मनरेगा के तहत क्या कार्य किए हैं, आइए जानते हैं। प्रधान जी नमस्कार। हमारे चैनल बताने का कष्ट करें कि आपने विकास कार्य में अपने ग्राम सभा के लिए क्या क्या कार्य किया है। पकड़िए। विकास कार्य के लिए मैं सर्वप्रथम यहाँ की देवतुल्य अपनी जनता को बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत बधाई उनको देता हूँ कि देवतुल्य जनता ने मुझे इस योग पर, इस पद पर पहुँचाया है। उनको बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और विकास कार्य मैंने नरेगा के तहत बहुत सारे इंटरलॉकिंग्स और सीसी रोड भी बनवाए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया गया है और कच्चे काम में भी चक्रोड, बंधा, नालियां और तमाम मेड़बंदी कार्य किए गए हैं। और विकास कार्य में जितना भी मरम्मत कार्य हुआ है, मरम्मत कार्य भी कराए हैं, पंचायत भवन का भी कार्य कराए हैं, स्कूल में भी कार्य हुआ है, बहुत सारी विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन भी लगवाए हैं। और आपके यहाँ आंगनबाड़ी भवन भी बना है? जी, आंगनबाड़ी केंद्र भी आप बनवाए हैं पिछली? नहीं नहीं, इस हमारे कार्यकाल में बना हुआ है। अमृत सरोवर भी हुआ है अति सुंदर, जो कि विधायक जी द्वारा हमें सम्मानित भी किया गया था अमृत सरोवर पे। खेल का मैदान भी हमारे ग्राम पंचायत में बनवाया गया है। अमृत वाटिका नहीं है मेरे बाकी। कोई ऐसा कार्य बताइए जो कि आप करना चाहते हैं अपने ग्राम सभा में। नहीं, हम अपने ग्राम सभा में हमारा एक बहुत अच्छा है कि यहाँ एक बहुत बढ़िया अगर पार्क बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सुगम अच्छा रहेगा, वहाँ घूमने टहलने के लिए रिलैक्स महसूस करेंगे हमारे गाँव की जनता। कितनी अच्छी बात बताई प्रधान जी ने कि एक पार्क अगर बन जाता तो इनके ग्राम सभा वासियों को, जो कि सरकार की मंशा है कि बच्चे गांव से खेल कूद में निकलें और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलें गांवों से, बड़ी अच्छी सोच है। इसी के साथ धन्यवाद। मैं अजय श्रीवास्तव अपने सहयोगी होरीलाल प्रजापति के साथ।